मसाला भड़ंग बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हमें ऐसा एक बड़ा पैन लेना है या फिर बड़ी कढ़ाई लेनी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई, राई को चटकने देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, जीरा चटकने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप मूंगफली, और मूंगफली को अच्छे से क्रंची होने तक, लाल होने तक हमें भूनना है। पीनट जो है, मूंगफली अच्छे से रेड और क्रंची हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे 10-12 लहसुन की कलियां, इस तरह से लंबा लंबा कट करके आपको इसमें डालना है, और लहसुन को हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे। 10-12 करी पत्ते डालेंगे। भड़ंग के लिए एक मसाला बनाना है, उसके लिए हम लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, कलर के लिए हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1/2 टीस्पून पाउडर शुगर पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून नमक मिलाएंगे और इस मसाले को एक साथ मिक्स कर लेंगे। इसी से हमारे भड़ंग में बहुत अच्छा स्वाद और टेस्ट आएगी। अब इसको हम तेल में डाल देते हैं। मूंगफली और लहसुन अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब हम इसमें मसाला मिलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया था, अब गैस चालू करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम रोस्टेड चना दाल डालेंगे, और अब हम इसमें हमारा मुरमुरा डाल देंगे। जो भी आपके पास मुरमुरा हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, पतला वाला, मोटा वाला, जो कोई भी हो वो मुरमुरा आप इसके लिए ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मुरमुरा डालने के बाद गैस को बंद कर देना है और फिर मुरमुरा को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने मुरमुरे को और मसाले को एक साथ मिक्स कर लिया है। अब आप इसे ठंडा होने दें और फिर इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। झटपट बना के तैयार हो जाता है नाश्ते के लिए, फटाफट रेडी होने वाला ये स्नैक्स का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसे कभी भी फटाफट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।